हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज ब्लॉग। दिस इज़ ब्लॉग ऑन एयर एंड दिस इज़ अमित हियर। और आज जो है मैं नवमी के लिए आपको शुभ नवमी का बधाई देता हूँ। और जो हम कोलकाता पूजा परिक्रमा में जहाँ जहाँ घूमे उसकी आज आधी वीडियो जो है वो डलने वाली है, और जो पूरी वीडियो कंप्लीट वीडियो वो दशहरा के दिन पे पूरी तरीके से मैं डाल दूँगा। और इस बीच हम जहाँ जहाँ गए उस की जो वीडियो है वो नवमी और दशमी की जो है मैं आज अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और ठीक है, तो पूजा परिक्रमा आप देखते रहें और नवमी के दिन को एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी जर्नी की शुरुआत होती है और हम सबसे पहले जाते हैं श्री भूमि में, जहाँ की बुर्ज खलीफा बनाया गया है। ये जो है ये क्लॉक टावर आपको सामने में ही श्री भूमि के पंडाल के गेट के सामने ही मिलेगा, और यहाँ से आपको चल करके थोड़ा जाना पड़ेगा। रात के समय यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, इसी कारण हम सुबह यहाँ पर पंडाल देखने आए, क्योंकि रात के समय आप अच्छे से देख भी नहीं पाएंगे और भीड़ के कारण काफ़ी एग्जॉस्टेड भी हो जाएंगे। इसीलिए जो है हमने सुबह को आने का यहाँ पर डिसीजन लिया। यहाँ आसपास में रात के समय अगर आप आ रहे हैं तो काफ़ी सारी लाइटिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पास ही में एक छोटी सी मॉल के तरह बनाया गया है, जो कि अपार्टमेंट का ही हिस्सा है। और ये जो है ये VIPs के लिए मेन गेट बनाया गया है यहाँ पर। जो VIPs होते हैं उनको यहाँ से डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है, ये जो बड़ा सा गेट आप देख रहे हैं। हालांकि ये भी दुबई के बुर्ज खलीफा का ही एक रेप्लिका भी है, वहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार का एक गेट भी है, तो उसी को यहाँ पर भी दर्शाया गया है। और ठीक इसी के फ्रंट पे आपको एक स्टैचू मिलेगा, जो कि आपको जहाँ से आपको सीधा जो है वो पंडाल की ओर जाना पड़ेगा। और ये रहा आपके सामने बुर्ज खलीफा। इसकी जो कुल हाइट बताई जा रही है वो 140 फीट है, और जो ये जो आप नीचे ऊपर की ओर देख रहे हैं ये सारे प्लास्टिक्स के मटेरियल से बनाया गया है, जबकि नीचे की ओर जो है आधा हिस्सा जो है वो ग्लास का बनाया गया है। और इसके बाद जो है हम यहाँ से निकलकर सीधा चले गए आपका जो एक डालिया एवरग्रीन, जहाँ पर एक पॉपुलर पंडाल बनाई गई है वहाँ पर। ये जो है ये है एक डालिया एवरग्रीन पार्क का ही जो मेन एंट्रेंस गेट है, जहाँ से आपको घुस करके जा करके पंडाल देखना है। और इन्होंने भी काफ़ी सुंदर सी पंडाल बनाई है। पूरी जो पंडाल है वो देखने में ऐसे लगती है जैसे एल्युमिनियम की प्लेट्स हैं, हालांकि वो एल्युमिनियम की प्लेट्स नहीं, नॉर्मल जो स्टेनलेस स्टील की प्लेट्स हैं उन्हीं से इन्होंने बनाया है इसको। और यहाँ पर दुर्गा जी की जो प्रतिमा है वो भी काफ़ी सुंदर है, तो आप इसको भी आकर के देख सकते हैं। एक डालिया एवरग्रीन से होकर के हम सीधे चले गए त्रिधरा सम्मिलनी की जो दुर्गा पूजा हो रही थी वहाँ पर। त्रिधरा सम्मिलनी में एक्चुअली दो पूजाएं हो रही हैं, एक जो कि फ्रंट गेट पे और जस्ट उसके ऑपोजिट पे, जो कि बालीगंज एसोसिएशन वालों ने किया है। त्रिधरा सम्मिलनी में भी काफ़ी अच्छी थीम को दर्शाया गया है, और आप देख करके काफ़ी आपको अच्छा भी लगेगा वहाँ। ये है त्रिधरा सम्मिलनी का मेन एंट्री गेट, और यहाँ से होकर के आपको अंदर जा कर के भगवान की दर्शन करनी पड़ेगी। जो त्रिधरा सम्मिलनी में इन्होंने बनाया वो मेन थीम है इनका कोविड के ऊपर ही, जिनमें इन्होंने पूरी तरीके से दर्शाया कि किस प्रकार से कोविड ने हमारी ज़िंदगी को पूरी तरीके से अफेक्ट किया है। और यहाँ पर भी दुर्गा जी की जो प्रतिमा है वो काफ़ी सुंदर है, और काफ़ी फेमस इनका पंडाल भी हुआ है।
और ये जो है फ्रेंड्स, ये है आपका बालीगंज एसोसिएशन द्वारा बनाई गई पंडाल, जो कि त्रिधारा सम्मिलनी की पंडाल के जस्ट रोड के ऑपोजिट में ही है। और अगर आप यहाँ पर जा रहे हो तो आपको यहाँ पे दो दुर्गा प्रतिमाएं के दर्शन हो जाएंगी। यहाँ पर जो है वो दुर्गा प्रतिमा के ऑपोजिट जाने नहीं दिया जा रहा है, जस्ट साइड से आपको डाइवर्शन दे करके निकाल दिया जा रहा है ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो। इसके बाद जो है हम यहाँ से निकल के बाकी अलग अलग फेमस दुर्गा पूजाओं की पंडाल में भी गए, और इसकी जो वीडियो है वो मैं दशमी के दिन पोस्ट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, और हो सके तो आप जा कर के घूम के भी आ सकते हैं शाम तक। और इसी के साथ जो है मैं ये वीडियो को यहाँ पर एंड करूँगा। आपको अगर अच्छा लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और जा कर के देखिएगा भी कि दुर्गा प्रतिमाओं को किस प्रकार बनाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।